जयपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण ने मीडिया से बात की है और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों से अवगत कराया उन्होंने कहा प्रदेश के सभी आठ क्लस्टर पर कोर कमेटी बैठक की जाएगी इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से पच्चीस सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया तारीखें तय हो गई आचार संहिता लगते ही हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कोर टीम की बैठक भी बुलाई और अपने स्वयं के इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कल रात को दिल्ली में थे अभी आपको जोधपुर में मिलेंगे यानी उन्होंने तय कर लिया कि सर्वप्रथम पहला जो हमारा चक्र चलेगा उसके अंदर प्रथम चरण में और आठ हमारे जो कलस्टर है आठों कलस्टरों पर मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं श्री जोशी जी और भजन जी स्वयं वहाँ पर जाकर और कोर टीम के साथ भी मीटिंग करेंगे और वहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जिनको हमने संगठनात्मक इस रणभेदी में चुनाव के अंदर काम करने के लिए जिनको दायित्व सौंपा है ऐसी 600 700 की 800 के लगभग टीम होगी उसके साथ बैठकर विस्तार से बैठक करेंगे चर्चा करेंगे कुछ लोगों से वन टू वन भी बात करेंगे कहने का तात्पर्य है कि आज दो क्लस्टरों में जाएंगे कल तीन क्लस्टर और है वहाँ करेंगे और उसके बाद में और इक्कीस तारीख को कोटा और जयपुर ऐसा करके ये हमारा आठों कलस्टरों का जो प्रवास है वो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूर्ण करने जा रहे हैं मैं सोचता हूँ कि जो संकल्प लिया है 25 कमल खिलाने हैं उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं कार्यकर्ता और हमारा पूरा नेतृत्व दे, देखिए सी साहब एक कार्यकर्ता है पूरे राजस्थान में जो व्यक्ति चार चार बार प्रदेश के महामंत्री रहे उपाध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान का दौरा किया ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर भजन लाल जी न गए हो तो अपने जीवन का महत्वपूर्ण और समय राजस्थान की धरती पर कार्य करते हुए संगठनकर्ता के नाते लगाया है, इसलिए उनको पल पल की पता है सब कुछ उनको जानकारी है पूरे अलर्ट मोड पर है जहाँ कहीं भी कहीं न्यूनता आती है तो हमारे पास तो बाद में उसके पहले उनके पास सूचना पहुंचती है और तुरंत उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं देखिए चुनावी नीति की बात है इसके अंदर एक स्वाभाविक है जब जागरूक हम जब मैं कह रहा हूं ऊर्जावान सीएम है जागरूक सीएम है और हमारा अपना एक कार्यकर्ता सीएम बना है तो स्वाभाविक बात है कि सब कुछ जहां जहां भी न्यूनता होगी उसको दुरुस्त करेंगे एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि भजन लाल जी और सी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान के 25 कमल खिलेंगे हमने मोदी जी को आश्वस्त किया है कि 25 की 25 सीटें हम जिता कर आपको देंगे बहुत तो सुझाव दे रहे थे देखिए संकल्प पत्र का कार्य हमारा लगातार चल रहा है आप लोगों ने भी दिखाया होगा तो संकल्प पत्र विकसित भारत संकल्प पत्र का कार्यक्रम देश राजस्थान की धरती पर सर्वत्र चले हैं हमारे रथ हर लोकसभा में गए हैं और पार्टी के कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं अभी हाल ही में कल एक स्थानों पर संकल्प पत्र संग्रहण का कार्य हुआ वहाँ पर प्रबुद्ध जनों के साथ में और एडवोकेट्स के साथ में कॉलेज विद्यार्थियों के साथ में राजस्थान भर में बैठकर हमारे कार्यकर्ता और संकल्प पत्र का संग्रहण कर रहे हैं और इस काम का लगभग समापन की ओर है अतिशीघ्र इसका संकलन करके हम इस